हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का ACC डिफेंस एकेडमी के एक नए वीडियो के ऊपर। आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और फ्री वीडियोस का लाभ उठा रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसमें जो भी MCQ कराए गए हैं वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम ACC 131 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो से नोट्स बना लीजिएगा। और इस समय जितने भी आपको फ्री वीडियोस मिल रहे हैं, किसी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग ACC 131 और 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से इन्हांस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां रात 9 बजे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जिन क्वेश्चन को करके अपने ऑफिसर बनने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वीडियो का लाभ ले रहे, टेलीग्राम से जुड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, आप भी करिए। ACC 131 का जो एग्ज़ाम है 20 जुलाई 2024 को है, आई होप कि आप लोग भूले नहीं होंगे। शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? किस माउंटेन रेंज में माउंट एवरेस्ट का लोकेशन है? वह हिमालयास। पीछे जो आपको इमेज दिया गया ना, वह हिमालयास का ही है। ठीक, ये क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट का जो लोकेशन है किस माउंटेन रेंज में है, वो क्या है? हिमालय माउंटेन रेंज में है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इन विच स्टेट? आपको ये जो दिख रहा होगा मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो यहाँ जो देखो ऑप्शन में देखो जो दिया हुआ है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में है। आप कहोगे सर मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, बट ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकते हैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो आप लोग को याद रखिएगा, टोटल 8 स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तीनों हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एम्बिटेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट पर सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? वो है एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या था, जो हमेशा सदा बहारी हरे होते हैं, ठीक है, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसका जो राइट आंसर वो डी, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न। और जब हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट जो लाई करता है ना, वो इस रीजन में लाई करता है हमेशा, मतलब वेस्ट पार्ट में, वेस्ट पार्ट से पूरा लाई करता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अ डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर इज नियर बाई इक्विवेलेंट टू? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये जैसे मान लो ये ग्लोब है, अब सबको पता है कि ये वाली जो लाइन होती है वो होती इक्वेटर, ठीक, और ये होती लैटीट्यूड लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो होती लैटीट्यूड लाइन, लैटीट्यूड, और ऊपर वाली क्या होती है, वो होती वर्टिकल, वर्टिकल जिसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक। तो बोल रहा है कि कहाँ बोला है, इक्वेटर के पास, मतलब वर्टिकल लाइन ऐसे आई है, इक्वेटर यहाँ पे है, तो इन यहाँ पे जो गैप होगा वो सबसे मैक्सिमम, तो वही बोल रहा है कि इक्वेटर के बीच दो लॉन्गिट्यूड लाइन इक्वेटर के बीच कितना डिफरेंस पैदा करती है, 111 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जी मैंने आपको बता ही दी है, इसमें हम अपने लाइव क्लास में ना बहुत अच्छे तरीके से ये कवर किए हुए हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड, इंटरनेशनल टाइमलाइन और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सब कुछ हम लोगों ने लाइव क्लास में कवर कर रखा है। नेक्स्ट, हाउ डज ला नीना इफेक्ट ऑन द पैसिफिक ओशन? देखो एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीना। तो अल नीनो जो जैसे होता है ना, इस समय देखो, तो इस समय जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ठीक है। तो ये कहा जाता है ना कि जो मौसम प्रिडिक्शन होता है, तो आप लोग सुने होंगे कि अल नीनो ला नीना का वर्ड बहुत आता है। तो जब अल नीनो हावी होगा तो गर्मी बहुत पड़ेगी, और जब ला नीना हावी होता है तो मानसून अच्छा आता है। इसलिए देखो इस बार प्रिडिक्ट किया गया हमारे देश में मानसून बहुत अच्छा आएगा, तो क्योंकि
अल नीनो कमज़ोर हुआ है और ला नीना क्या हुआ है, थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। ठीक, अब अल नीनो ला नीना बहुत डीप में जाकर तो पढ़ने का भी तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। बेसिकली अब इतना जो हमारे यहाँ टेम्परेचर राइज़ हो रहा है इंडिया में, ट्रेड विंड्स का आप नाम सुनेंगे, जो ट्रेड विंड्स गर्म हवाएं हमारे देश में लाती हैं और जो गर्मी जो पैदा करती हैं। नियम ये होता है कि जब ओशन गर्म होगा तो ओशन गर्म होता है तो क्या बनता है, भाप बनता है, भाप बनता है तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के बादल को फॉर्मेशन करता है। लेकिन अल नीनो ला नीना केस में क्या होता है कि ट्रेड विंड्स के तौर पर वो आती हैं, वही साइकिल उनका चलता है। तो बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है, जो प्रैक्टिकल चीज़ है, कूल डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, दैट इज़ द ला नीना इफेक्ट होता है पैसिफिक ओशन में, वाटर का टेम्परेचर कूल डाउन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोसफियर, कौन सी एटमोसफियरिक गैस है जो कि ग्रीन हाउस नहीं है, वो है हाइड्रोजन। ऑब्वियस सी बात है, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, तो हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द हाइएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार आइसलैंड, हम लोग माउंटेन रेंज पढ़ते हैं उसकी हाइएस्ट पीक पढ़ते हैं, तो अंडमान निकोबार आइसलैंड की हाइएस्ट पीक क्या है, वो है सैडल पीक, सैडल पीक है। ठीक है, सैडल पीक इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ACC 130 के लिए, 131 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान की कौन सी नदी बहती है, वह सतलुज, सतलुज नदी भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ, जो नॉर्दर्न प्लेन है मतलब उत्तरी हिस्सा है भारत का, वो फॉर्म हुआ है एलुवियल सॉइल से, दिस इज द फिगर ऑफ एलुवियल सॉइल। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है मिट्टी। विच पार्ट ऑफ हिमालय बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज, तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है उसको क्या, किस स्टेट में पड़ता है, वो पड़ता है असम हिमालयस को बोला जाता है। ठीक है, असम के हिस्से में पड़ता है इसलिए असम हिमालयस बोला जाता है, तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में पड़ता है ये। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ एरिया, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ एरिया, और फर्स्ट कौन है, वो है रशिया, रशिया इज़ द फर्स्ट ऑन द इस बेसिस ऑफ एरिया। ACC 130 का 131 का क्रैश कोर्स हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है। इस बैच में हम लोग पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बैच से जुड़ के अपने रिवीजन को कंप्लीट कर रहे हैं। इस बैच को ज्वाइन करते ही आपको PDF नोट्स मिलेंगे जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे जो आप अपने टाइम और सूटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। मैराथन क्लासेस 9 to 11 PM पे चलती हैं, लाइव क्लास हमारे यहाँ जो गूगल मीट पे हम लोग लेते हैं, और आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके अपने सभी डाउट को दूर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट और PYQ भी हमारे यहाँ कराए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट तो आपको हर वीकली टेस्ट मिल ही रहा है। ठीक है, 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इस समय की जो डिमांड है वो स्मार्ट स्टडी के, तो हमारे क्रैश कोर्स में स्मार्ट स्टडी कराई जा रही है, ये गूगल मीट पर स्क्रीन शेयर करके लोग पढ़ाते हैं, PDF नोट्स से जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेगी। आप अपने से ऐप में गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को इंस्टॉल करके आप कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, आप सेल्फ भी अपने आप बैच से अपने नीड के हिसाब से बैच को परचेज कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर, जिससे जुड़ के आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बुकलेट्स हैं जो प्रिंट फॉर्म में आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक जाए, जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स हैं, कुछ ऐसे फॉर्म में आपकी यूनिट एड्रेस पे जाएगी। आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर लीजिए। ये बुकलेट ACC 130 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी, इस बार इसको रिवाइज और अपडेट कर दिया गया है, तो इस बुकलेट को पढ़ के भी आप टॉप कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको वीडियोज़ मिल जाए हमारी, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और फ्री वीडियो सीरीज़ के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।